खबर वाराणसी से है। भेलूपुर के चेतमणि चौराहे पर मिशन शक्ति फेज 4 के तहत पिंक बूथ स्थापित किया गया है। जॉइंट पुलिस कमिश्नर डॉक्टर ए.के. एजिलसन ने महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा और उनकी शिकायतों को सुविधाजनक बनाने के लिए उद्घाटन किया। जॉइंट सीपी ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा अधिकार व स्वावलंबन के बारे में बताते हुए महिलाओं की समस्याओं को भी सुना जाएगा और पिंक बूथ पर 2 महिला पुलिसकर्मी तैनात रहेंगी। यदि किसी भी महिला को पुलिस सहायता की जरूरत होगी तो तत्काल इस बूथ पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगी। जिन स्थानों के आसपास महिलाओं से जुड़े अपराध जैसे चेन स्नैचिंग, मोबाइल पर्स छीनने और छेड़खानी आदि की घटनाएं अधिक होती हैं, वहां भी पिंक बूथ स्थापित किया जाएगा। पेनिसिया अस्पताल के निदेशक डॉक्टर पल्लवी मिश्रा ने कहा कि नारी सशक्तिकरण को लेकर बेहतर कदम है। महिलाएं अब निर्भीक होकर अपने साथ हुए अपराध को पिंक बूथ पर जाकर शिकायत कर सकती हैं। इस दौरान डीसीपी काशी जॉन, आरएस गौतम, एडीसीपी महिला अपराध माता रानी, एसीपी भेलू परवीन सिंह, पेनिसिया अस्पताल के निदेशक दंपत्ति डॉक्टर पल्लवी मिश्रा और आशुतोष मिश्रा उपस्थित रहे। उद्घाटन किया गया है, क्या कहेंगे? नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन को उद्देश्य को समेट के जो हमारी मिशन शक्ति योजना, मिशन शक्ति अभियान चल रहा है, तो मिशन शक्ति फेज 4 में ये पिंक बूथ एक बहुत ही हमारे इस अभियान को सफल बनाने में इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि छात्राओं को रास्ते चलते या महिलाओं को रास्ते चलते कोई परेशानी हो या छेड़खानी जैसी घटनाएँ सुनने में आती हैं, तो इन सब चीज़ों को निरंतर सतर्क दृष्टि रखने की दृष्टि से ये पिंक बूथ है। और ये पिंक बूथ 24 घंटे अनवरत, 24 गुणे 7, मतलब सातों दिन 24 घंटे रहेगा और इसमें हमारी महिला कर्मी उपलब्ध रहेगी। जो महिला अगर रास्ते चल रही है या दुकान पे गई है या यहाँ पे जहाँ आसपास की नियरेस्ट उसे पता चलता है, वो तत्काल आके यहाँ सूचना देगी, तो ये त्वरित कार्यवाही इसमें हो जाएगी, उसको थाने जाने की भी अब ज़रूरत नहीं है। तो आज महिलाओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण, उनके लिए एक भयमुक्त वातावरण बनाए रखने के लिए ये पिंक बूथ की स्थापना हमारे कमिश्नरेट में की गई है। कुल अभी तक हमारे यहाँ लगभग 11 पिंक बूथ का व्यवस्था उद्घाटन किया जा चुका है और ये शासन की मंशा के अनुरूप मिशन शक्ति अभियान को सफल बनाने में निश्चित तौर पे महत्वपूर्ण एक पहल है और इसका परिणाम निश्चित तौर पे आने वाले समय में महिलाओं को इसका लाभ जरूर मिलेगा। उसी मॉडल में है पूरा प्रदेश में बोलने के लिए, हर थाना में मिनिमम एक, अच्छा हर जिला में मिनिमम दो दो बोलने के लिए शासन का मंशा भी है और बीजेपी मोदी का निर्देश भी है। उसी के सिलसिला में आगे हम लोग इस तरह का जनता का साथ, स्थानीय स्थानीय जनता का सहयोग से मिलकर लिए हैं। हम लोगों ने आज तक एक बहुत बोला है और ये बहुत फायदेमंद है और शासन का मंशा और महिला सशक्तिकरण और जो है सहयोग में ये सारा हम लोग का सपोर्ट से ये मतलब महिलाओं की शिकायत में त्वरित कार्रवाई होगी, तत्काल त्वरित कार्रवाई होगा, यहाँ पूरा तैनात करेंगे महिला पूरा पुलिस। और शहर में जो है जो भी महिला है अब अपना जो है बिना संकोच आके यहाँ मिल सकते हैं, अपना समस्या कह सकते हैं, कह सकते हैं। थैंक यू सो मच। परिचय देते हुए बताएं किस तरह का बूथ है, इससे क्या महिलाओं को क्या? मैं बबीता चौरसिया हूँ, समाज सेविका, काशीखंड काशी गौ सेविका भी हूँ और नारी सशक्तिकरण पे मैं कार्यरत हूँ। और यहाँ पे आज भेलूपुर चेतमणि थाने की वजह से आज यहाँ पे नारी सशक्तिकरण का कार्य रखा गया है, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं नारी सशक्तिकरण पे 33% उन्होंने दिया है, लेकिन महिलाओं को जागरूक करने के लिए हम लोग डोर टू डोर और हर एक विद्यालय में जाते रहते हैं, वहाँ जाके नारी के समक्ष हम लोग हर एक कार्य करते हैं, बच्चियों को समझाते हैं, जैसे कि कोई भी कॉल आ रहा है रॉन्ग नंबर से तो उसको आप लोग ना लें, और अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने पेरेंट्स को बोलें, क्योंकि महिलाओं के संग बच्चियों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है और हम लोग हमेशा बच्चियों के लिए ही कार्य कर रहे हैं, इसलिए आज यहाँ पे पिंक बूथ बनाया गया है ताकि बच्चियों को जागरूक किया जा सके, नारी को जागरूक किया जा सके और नारी के लिए ही हम लोग कार्यरत हैं।